वर्क एनर्जी क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट बुक प्लस टेक्स्ट बुक प्लस सॉल्व न्यूमेरिकल्स सब हम लोग इस शीट में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फोर्स दिया है 7 न्यूटन, 8 मीटर से डिस्प्लेस हो गया, बोल रहा है फाइंड वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 7, डिस्प्लेसमेंट कितना 8, आंसर 56 जूल्स, ठीक है, वर्क डन का यूनिट जूल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी से वर्क इज डन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड, वर्क इज सेड टू बी डन। डिफाइन वन जूल, जूल किसका यूनिट है, वर्क का, तो वर्क का फॉर्मूला लिख लीजिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस फोर्स को आप क्या बोल देना 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को बोल देना 1 मीटर, ठीक है। तो व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, ठीक है, ऐसे जैसे फॉर्मूले में लिखा है ना, बस यूनिट को 1, फोर्स को 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर बोलना और अपने वर्ड्स में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, बोलता फोर्स इज 140 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 15, बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन, सिंपल सेम, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 140 इनटू 15, दैट इज इक्वल्स टू 2100 है ना, जब 100 बोला तो 1000 बोलता है, 1000 लिखा दिया तो 100, देखिए सिंपली 0 का 0 हो गया, 15 को 4 जा 60, 0 कैरी 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 2100 जूल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी स्पेशल नहीं, ठीक है। What is kinetic energy? Energy possessed due to motion of an object is called kinetic. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके अंदर एनर्जी होती है, मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी इज वेलोसिटी। बोल रहा राइट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख दिया था। बोलता काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी है 5, अच्छा काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल्स और हमें फाइंड करना है मास। देखिए दो पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड, और सेकंड में बोलता है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, 3 टाइम्स कर दिया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 3 पार्ट्स कैसे, ये ए वाला पार्ट स्टार्टिंग, आपको आपने देखा क्या दिया है ये 5, 5 क्या चीज है, 5 क्या चीज है इसकी वेलोसिटी, और 25 क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास क्या चीज नहीं है, मास नहीं है, तो सबसे पहले मास निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है 25 इक्वल्स टू हाफ इनटू एम जो कि हमें नहीं पता, वी स्क्वायर, वी क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कैंसिल, ये 2 यहां ट्रांसपोज हो जाएगा, मास कितना निकल गया 2 kg, ये आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आ गया, इसको हम लोग ए पार्ट बोलेंगे, क्योंकि जब तक मास नहीं निकालेंगे ना फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्या यहां तक क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड, मतलब अभी वेलोसिटी कितनी थी 5, आपने उसको डबल कर दिया 10, ठीक है, और मास वही है सेम, मास थोड़ी हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
half m v square. Half into m, m is 2, into v square, 10 ka square, 100, 2 to cancel, this is 100. Third part mein bol raha hai, if the velocity is increased 3 times, matlab is bar velocity 5 ka kya kar doge? 15, 3 times. Mass same hai, 2 kg, wo bol raha kinetic energy kitni hogi? Formula, half m v square. Right, half into m, m is 2, v square 15, 15 ka square 225, 2 cancel, this is 225 joules. So first part ka answer 100 joules, second part ka answer 225 joules. Aapko samajh mein aaya? Ek objective question bhi main aapko samjha raha hoon. ध्यान से देखना, आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है. काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला देखा आपने, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यस और नो? वी का स्क्वायर, अगर वी को आप डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? वी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, इट विल बी 4 टाइम्स. काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स. ये एमसीक्यू के हिसाब से बता रहा हूँ. तो देखिए, पहले काइनेटिक एनर्जी 25 थी, अब 100 हो गई था 4 टाइम्स. ये जो हमने किया, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कैसे कर लेना. थर्ड सेकंड पार्ट देखिए, बोला वेलोसिटी इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स. देख लो ना, 25 इंटू 9, 225 है ना, एमसीक्यू में आया. तो एमसीक्यू भी कर सकते हैं. अभी फिलहाल ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था. जैसी मैंने वर्किंग कराई है एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आपको. व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, जिसका यूनिट होता है वॉट, है ना. वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जिसका एक स्पेशल यूनिट है वॉट. डिफाइन वन वॉट. वॉट किसका यूनिट है? पावर का. पावर का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. वर्क डन को क्या कर देंगे? 1 जूल. टाइम को क्या कर देंगे? 1 सेकेंड. इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंप है जो इतना एनर्जी यूज कर रहा है, क्या है ये? This is work done, joules है ना, यूनिट से भी ध्यान रखना. और बोलता है कितने टाइम में? 10 सेकेंड में. पावर तो निकालने बोल रहा. व्हाट इज पावर? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. 1000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू 100 वॉट. 100 वॉट. ओके, डिफाइन एवरेज पावर. टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज. भाई कभी हमने ज्यादा यूज किया, कभी कम यूज किया. अब दिन भर का कब कितना क्या यूज किया भूल जाइए. टोटल पूरे महीने में कितना यूज किया, टोटल टाइम कितना, डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा. कमिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, वो पूछ रहा है कि किस किस केसेस में वर्क डन है. हमने पढ़ा था वर्क डन इज व्हेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट होना चाहिए, तो क्या एक केस में स्विमिंग में मूवमेंट होता है? यस, वर्क इज डन. डोंकी अपने ऊपर लोड रखा है, अपने पीठ पे रखा है, ताकत लगा रहा, ऊपर चल रहा है सामने 90 डिग्रीज, हम क्या बोलते हैं? नो वर्क इज डन. याद रखना, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऊपर और मूव कर रहे हो आगे 90 डिग्रीज में, वर्क डन जीरो होता है. विंडमिल में वाटर लिफ्ट कर रही है वेल से, वर्टिकल हाइट, यस. फोटोसिंथेसिस में कोई मूवमेंट हो रहा है क्या? नो. इंजन पुल कर रहा है ट्रेन को, डिस्टेंस मूव होगा, यस. फूड ग्रेन्स ड्राइव, कोई मूवमेंट? नो. बोट सेल हो रही है, मूवमेंट? यस. तो आप समझ गए, जहां जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहां वहां वर्क डन होगा. डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है,
मतलब फोर्स हमने ऊपर लगाया और बॉडी ऊपर मूव कर गई, तो हम लोग उसको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच वाले से कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आपने एक स्टोन को फेंका, ऐसा गया और वापस नीचे आ गया, इसकी हाइट कितनी है? जीरो। भाई ऊपर तो गया ही नहीं ना, आपने ऊपर फेंका वापस उसको जीरो आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच, एंड हाइट इज जीरो, हाइट इज जीरो, तो टोटल एनर्जी इज जीरो। एनी वर्क डन? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी से बल्ब जल गया, आपको मालूम है बैटरी के अंदर हम डालते हैं केमिकल्स, तो सबसे पहले ये है केमिकल एनर्जी। केमिकल्स से फिर क्या होगा, हमने बल्ब जलाया उसका फिलामेंट हीट अप हो गया, हीट एनर्जी। फिलामेंट एक बार हीट होगा तो फिर वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। वो यही पूछ रहा है, एनर्जी चेंजेस को डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मास दिया है 20, तो वेलोसिटी बोल रहा 5 से 2 हो गई, कैलकुलेट वर्क डन। ध्यान से देना, देखना इस क्वेश्चन को, आपको मालूम है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो दिया नहीं, एक काम करो फोर्स को तोड़ दो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एस भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मास से दिया है ना, एक्सेलरेशन दिया है ना, एस दिया है। अब ध्यान से देखना, ए एस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कहां से, मोशन के थर्ड वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मोशन का थर्ड वाला फॉर्मूला याद है आपको, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी क्या है? टू, है ना, वी स्क्वायर फोर माइनस यू स्क्वायर फाइव का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 2 ए एस। इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? माइनस 21। 2 को यहां ट्रांसपोज कर दोगे तो ए एस का वैल्यू कितना? माइनस 21 बाई 2। मास की जगह पर 20, ए एस की जगह पर माइनस 21 बाई 2। 2 से कटेगा 10 बार, दिस इज माइनस 210 जूल्स। याद रखना कि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, है ना, तो नेगेटिव भी आए तो आप उसको पॉजिटिव लिख देंगे फाइनल आंसर को। वर्क डन इज 210 जूल्स। याद रखना, मोशन के थर्ड फॉर्मूले से ए एस का वैल्यू निकाल कर पुट अप किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 10 केजी मास है, ए से बी तक मूव कर दिया, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ हुआ ही नहीं, भाई टेबल पे रखा है, ए से बी मूव कर दिया, क्या उसकी हाइट में कोई चेंज हुई? नहीं, देयर इज नो चेंज इन हाइट, सो नो फोर्स, नो वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो बिकॉज द चेंज इन हाइट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी, आपको मालूम है हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, तो जैसे जैसे हाइट कम होती है, जैसे जैसे बॉडी फॉल होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, फिक्स, हमने एग्जांपल किया था ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही? क्योंकि उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एमजीएच, जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो नीचे गिरने पर उसकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। टोटल सम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो डज इट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, इट डज नॉट वायलेट। क्यों? क्योंकि अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी,
the total energy remains constant. So it is not a violation, it abides the law of conservation. उसको फॉलो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसिकल राइडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, आपने मसल की ताकत लगाई और साइकिल आगे मूव करने लगी, मस्कुलर एनर्जी गॉट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. बोलता है ह्यूज रॉक को आपने बहुत ताकत लगाया एंड फेल टू मूव इट, तो आपकी जो एनर्जी वो कहाँ चली गई? आप बोलोगे मैंने तो बहुत ताकत लगाया, मैं तो एनर्जी लूज कर दिया. तो वो लूज कर दिया तो वर्क तो नन नहीं हुआ, तो एनर्जी गई कहाँ? ट्रांसफॉर्म हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, सराउंडिंग को, सराउंडिंग में चली गई हीट एनर्जी, लेकिन वर्क डन नहीं हुआ. हाँ, एनर्जी लूज हुई यस टू द सराउंडिंग, बट नो वर्क इज डन. व्हाई नो वर्क इज डन? बिकॉज नो डिस्प्लेस. हाउसहोल्ड में बोलता 250 यूनिट वन मंथ में यूज हुई, जूल्स में पूछ रहा है. आपको मालूम है वन यूनिट कितने जूल्स होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, याद है? तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स में कन्वर्ट, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ. नीचे वन लिखिए, एक डेसिमल हटाओ, एक जीरो लगाओ. इज दिस ओके? 36 क्या होता है? 4 9 36. ऐसा क्यों लिख रहा हूं? इजी बनाने के लिए. ध्यान से देखना, ये 9 को 9 लिख दो, 4 इंटू 250, एक जीरो काट दो. हाँ, 25 फोर जा 100 और 10 की पावर 6, तो बेसिकली 9 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2 और 0 8 जूल्स. This is the final answer. ठीक है, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते थे, जैसे भी कर लो, मैंने थोड़ा उसको इजी करके दे दिया. एक ऑब्जेक्ट है 40 kg हाइट 5 मीटर. बोलता है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट वेंट हाफ वे. सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि रेज टू द हाइट ऑफ 5 मीटर, उसको 5 मीटर तक हमने रेज किया, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh. ठीक है, m मास, g अगर हम लोग 10 ले लें लेट कन्वीनियंस के लिए, और हाइट कितनी? 5. तो ये कितना हो गया? 2 0 और 4 5 22,000 क्या जूल्स. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हाफ वे अगर वो आधा वापस नीचे आ जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी? हाफ. अब चाहे तो इसको हाफ करके निकाल लो, चाहे फिर से निकाल लो. 2000 का हाफ कितना? 1000. और नहीं तो फिर से सॉल्व कर लीजिए. मास 40, जी 10, हाइट 2.5, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000. तो 1000 एनर्जी बची, 2000 में से 1000 बची, बाकी 1000 कहां गई? ट्रांसफॉर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी. तो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी द डिफरेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो कितना लूज किया उसने? 1000. तो लूज कहां किया? ट्रांसफॉर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी. वो पूछ रहा व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन? इट विल बी 1000. फिर से देख लो, 5 मीटर की हाइट में पोटेंशियल एनर्जी होगी 2000, हाफ वे डाउन करोगे तो उसकी एनर्जी बची 1000. तो 2000 माइनस 1000 कितना लूज किया? 1000. ये लूज नहीं किया, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ वे में कितना हो जाएगा? हाफ. दैट इज ऑल. क्वेश्चन नंबर 11, सैटेलाइट वर्क डन. आपको तो पता ही है कि सैटेलाइट जो मूव करता है वो अगर हम लोग सेंटर से देखेंगे तो मोशन से 90 डिग्रीज बना रहा है. फोर्स एंड मोशन 90 डिग्रीज मतलब परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर में हमें मालूम है कि वर्क डन कितना होता है? जीरो. क्यों होता है याद है ना? तो हमने अलग से पढ़ा था. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12,
कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर हम फोर्स बिल्कुल नहीं लगाएं तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन. अगर ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा था तो मूव करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट केस, अगर वो मूव कर रहा था तो बिना फोर्स लगाए भी वो मूव करता रहेगा, दैट मीन्स देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट. लेकिन सेकेंड केस जो हमने पढ़ा था, इफ इट इज रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव करने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी. अगर वो मूव कर रहा है तो बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट होगा, देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट इन एब्सेंस ऑफ फोर्स. लेकिन सेकेंड स्टेट में अगर वो स्टेशनरी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. एक पर्सन ने अपने हेड पर हे का बंडल रखा हुआ है 30 मिनट्स के लिए और बस वो रख के खड़ा हुआ, फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ और आगे मूव तो कर नहीं रहा. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. नो डिस्प्लेसमेंट मीन्स नो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑल. ठीक है, हाँ, एनर्जी उसने यूज किया, वो थक गया. थक गया क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, बट नो वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू साइंस. वो पूछ रहा हाउ मच एनर्जी डज इट यूज, गिवन है पावर और टाइम. तो आपको पता है पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. वर्क डन मतलब एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी यूज. टाइम को यहां आप ट्रांसपोज कर देंगे, एनर्जी कंजम्पशन होता है पावर इनटू टाइम. एनर्जी कंजम्पशन पावर, पावर कितना है 1500 वॉट, यूनिट को बाजू में लिख दे रहा हूं. और टाइम क्या है 10 आवर्स. क्या ये थोड़ा बड़ा है? यस, बड़ा होगा तो क्या करेंगे, बड़े यूनिट में किलो में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड करो, किलो में कन्वर्ट कर दो, 1230, 1230, क्या बचा 15, 15, क्या किलोवाट आवर. और किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, आप इसको 15 यूनिट्स भी कह सकते हैं या 15 किलोवाट आवर. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पेंडुलम की बात कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रूल को अबाइड कर रहा है, उसको वायलेट नहीं कर रहा. ठीक है, तो मुझे समझाने के लिए जगह चाहिए, जगह थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं. मान लीजिए ये पेंडुलम है, लेट द ए बी द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन. पेंडुलम आपका रेस्ट पोजीशन पर है, उसको हमने उठा के डिस्प्लेस किया और बी पोजीशन पर ले जाकर छोड़ दिया. क्या होगा? बी से ए आएगा और ए से फिर दूसरे साइड जाएगा सी तक, और सी से ए बी, और इस तरीके से मूव करता रहेगा. इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ये तो आप सबको पता है, राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमने उसको बी पोजीशन पर रखा था, ध्यान से देखना, जब हमने उसको बी पोजीशन पर रखा था और जब छोड़ा था, तो बी का जो पोजीशन है ए से थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं? ए से थोड़ा सा ऊपर है. बी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, या फिर बोलेंगे मैक्सिमम है, और बी पोजीशन पर वो तो रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है. और जैसे ही हमने उसको छोड़ा, वो बॉब ए की तरफ मूव कर रहा है, उसकी हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और मोशन में आ गया वो, तो उसमें वेलोसिटी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है हर पॉइंट पर. द सम इज ऑलवेज इक्वल, और सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग एनर्जी लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा इक्वल रहेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए से और आगे बढ़ रहा है, अब ए से सी की तरफ जा रहा है,
इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज होने से फिर से अब इस बार पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चालू होगा और ये स्लो होती जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन सम टोटल दैट इज मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द लॉ, इट इज नॉट अ वायलेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, मास ऑफ द बॉडी m, वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क इज डन. वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क इज डन बिकॉज ऑफ मोशन. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कोई वर्क डन तो करेगा नहीं, मूवमेंट कर रहा है. अगर वो मूव कर रहा है तो कौन सा उसके अंदर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल. वो पूछ रहा उसको रोकने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. जितने एनर्जी से वो चल रहा है उतनी एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए. तो हाउ मच वर्क इज शुड बी डन टू ब्रिंग इट रेस्ट. अगर वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी. यही आपका आंसर. हमें चाहिए वर्क डन कार को स्टॉप करने के. कार किस वेलोसिटी से जा रही है, 60. तो 60 से इसकी वेलोसिटी 60 है तो 60 किलोमीटर पर आवर इसको 5/18 करते हैं, 6 3 और 6 10, ये हो गया 50/3 की वेलोसिटी से चल रही है. तो क्योंकि ये कार मूव कर रही है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम 1500 इंटू वी स्क्वायर 50/3 इंटू 50/3. 3 2 6, 6 कटता है 150 से 25 बार, 0 का 0. फर्दर और तो 2 से कोई कटता नहीं है, 1 2 3 0 लिख लीजिए. 5 5 25 25 25 6 25 डिवाइडेड बाई 3 जो कि होता है 6 2 0 8 3 3.3 जूल्स आपका आंसर. मतलब क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था, कितनी एनर्जी से वो कार मूव कर रही है. वो बोल रहा है इसको स्टॉप करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, स्टॉप करने के लिए इतनी ही एनर्जी लगेगी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 18, 3 फिगर्स हैं. फर्स्ट केस में फोर्स इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन और फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज. आपको मालूम है कि 90 डिग्रीज होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा. फोर्स लगा रहे हैं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्रीज पर, वर्क डन इज जीरो. सेकेंड केस, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो डेफिनेटली वर्क इज डन, वर्क डन तो होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है. और थर्ड केस में क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क इज डन. फर्स्ट केस में एंगल कितना है 90, वर्क डन जीरो. सेकेंड केस में एंगल कितना है 0, वर्क डन इज मैक्सिमम. थर्ड केस में एंगल कितना है 180 डिग्रीज, तो वर्क डन इज नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन. कितना ध्यान रखना. सोनी सेज एक्सेलरेशन कुड बी 0 इवन इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट. डू यू अग्री, इफ द फोर्सेस आर ऑपोजिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी, अगर सारे फोर्सेस ऑपोजिट हो जाएं तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो. अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो जाएं तो बॉडी कहीं मूव करेगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा. फाइंड एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंजम्पशन. ठीक है, फोर डिवाइसेस, कितने डिवाइसेस हैं, फोर डिवाइस. आपको मालूम है कि एनर्जी कंजम्पशन पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा पावर इनटू टाइम.
एनर्जी कंजम्पशन फॉर्मूला पावर का होता पावर इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को ट्रांसपोज करोगे तो वर्क डन हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ठीक है, आपने फोर डिवाइसेस यूज किए, एक डिवाइस का पावर 500 है तो फोर डिवाइसेस का पावर हो गया 2000। तो पावर इज 2000 क्या वॉट दिया है ना, वॉट। कितने घंटे यूज किया, 10 आवर्स। ध्यान से देखना, यह है 2000 इंटू 10 और यह है वॉट और यह है आवर। अब वॉट आवर और ये हो गया 20,000, क्यों ना हम इसे बड़े यूनिट में चेंज कर दें, 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो हो जाएगा, है ना। तो ये 3 0 यहां कट गया, क्या बचा 20 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर ही हमें चाहिए तो 20 किलोवाट आवर आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही करना। और ऐसा न्यूमेरिकल पहले किया था ना हमने, सेम। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है, स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब जमीन से टकरा के तो स्टॉप ही हो जाएगी ना। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी? देखिए, जब वो नीचे गिर रही थी उसकी उसकी हाइट कम हो रही थी, हाइट कम हो रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी। पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। वैसे भी आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी होता हाफ एम वी स्क्वायर। और जितनी ज्यादा नीचे गिरती है ऑब्जेक्ट, नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, एक्सेलरेट होता है ना, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही। लेकिन जैसे ही आई वो ग्राउंड को स्ट्राइक करी और वो रेस्ट पे हो गई, रेस्ट पे, हाइट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वो जो एनर्जी से आ रही थी वो गई कहां, एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो गई अर्थ में। और जहां गिरेगी वो जमीन में गड्ढा हो जाएगा ना, उसने वर्क कर दिया। लेकिन फिर वो रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक बार वो टकराई जमीन से, रेस्ट पर आ गई, रेस्ट पर आ गई, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने के पहले उसके अंदर जितनी एनर्जी थी वो ट्रांसफॉर्म कर देगी। जहां गिरेगी, अगर थोड़ा बड़ा पत्थर रहेगा तो गहरा गड्ढा हो जाएगा ना, गड्ढा हो जाएगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी एनर्जी। देखिए कुछ बुक के सॉल्व एग्जांपल्स हैं, फोर्सेस 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2, हमें चाहिए वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 5 × 2, दैट इज इक्वल्स टू 10 क्या जूल्स। बिल्कुल एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल। एक पोर्टर है 15 kg का उसने उठाया हुआ है वजन, पुट्स इट्स हैंड एंड वॉक्स अबव द ग्राउंड। देखो ध्यान से देखना, सर पे उठा के वो सामने नहीं चल रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। व्हाट इज वर्क डन? पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी बोल सकते हो, वर्क डन इज अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स टू mgh, मास 15, जी कितना नहीं दिया, नहीं दिया तो 9.8 लेना है ना, नहीं दिया तो हमेशा 9.8 लेना है, और दिया रहेगा तभी 10 लेना है। अभी कन्वीनियंस के लिए मैं 10 यूज कर ले रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और हाइट कितनी, 1.5, तो 15 × 15, 225 जूल्स आपका आंसर। वो जो वेट लेके जा रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक लेके गया तो उसकी हाइट इंक्रीज हो गई, हाइट इंक्रीज होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, mgh का फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास 15 kg, वेलोसिटी 4, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम, एम इज 15, वी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये कट गया 8 बार, कितना 120 क्या जूल्स। सिंपल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस
आप रिवाइज करके बस इतना ध्यान रखो कि क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना। बोल रहा है कार 30 से 60 हो गई और मास इतना है, वर्क डन, तो याद है एएस वाला फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स दिया नहीं है तो फोर्स को बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस बोल देंगे। एएस का फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे पुट अप करना है, कौन सा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये किलोमीटर पर आर है, इसको 5/18 करेंगे, 6 3 जा 6 5 जा, सो ये दिस इज 25/3 और ये हो जाएगा 50/3। हाँ ध्यान से देखना, v स्क्वायर ये है फाइनल ना, 50 का स्क्वायर 2500/9 और u स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625/9 इक्वल टू 2 इनटू a इनटू s, 9 तो एलसीएम है, 9 एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 500 माइनस करोगे 1875 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 2as, इस 2 को यहां ले लो, 1875 डिवाइड बाय 18 as का वैल्यू यहां पे पुट अप करना है, मास कितना 1500, as का वैल्यू 1875 डिवाइडेड बाय 18, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 156250 जूल्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एएस का वैल्यू निकालना है न्यूटन के मोशन के थर्ड वाले फॉर्मूले से और एएस की जगह पर पुट अप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एनर्जी पोजेस्ट बाय द ऑब्जेक्ट 10 केजी को 6 हाइट तक लेके गया अबव द ग्राउंड, तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला एम जी एच, एम कितना 10, जी कितना 9.8, हाइट कितना 6, आप अब इन सबको मिला दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 588 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मतलब एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वर्क डन, सबका यूनिट जूल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास 12 बोल रहा सर्टेन हाइट और पोटेंशियल एनर्जी 480, आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी बोलता है 480, मास कितना है 12, जी बोल रहा है 10, हाइट फाइंड करना है, डिवाइड कर लीजिए, एक जीरो यहां कट गया, 12 4 48, हाइट इक्वल्स टू 4 मीटर, इतना इजी सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गर्ल्स हैं जिनका वेट, याद रखना वेट है ये, मास नहीं है, वेट है मतलब फोर्स है ये, हाइट 8 मीटर क्लाइंब कर गए। ठीक है, तो अगर 8 मीटर क्लाइंब करके तो उनके अंदर क्या आ गया, एनर्जी है ना, कौन सी एनर्जी, एम जी एच है ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, अब ध्यान से देखना एम जी एच, ये एम जी है, ये मास इनटू ग्रेविटी है, ये मास नहीं है, ये फोर्स है, वेट है, वेट होता ना एम जी वेट, तो दिस इज 400 और हाइट है 8, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा पर्पसली। ठीक है, तो दोनों गर्ल्स एक हाइट पर चढ़ गए, अब उनके पोटेंशियल एनर्जी उनके बॉडी में इतनी है, ए गर्ल टेक्स 25 सेकेंड्स और बी गर्ल को लग रहा है 50 सेकेंड्स ऐसा करने में, पावर निकालने बोल रहा है। फर्स्ट केस पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्कडन कितना है 400 into 8, कितने टाइम में उसने टास्क किया 20 सेकेंड्स, एक जीरो ये कट गया और 2 कट गया 4 बार, कितना 160 क्या वॉट, फर्स्ट गर्ल का पावर, ए का पावर, अब बी का पावर निकालें, पावर इज वर्कडन डिवाइड बाय टाइम, वर्कडन कितना वही 400 into 8 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना था
50, 80 ये काटा, 5, 8 जा 8, 8 64, 64 वॉट। सेकेंड गर्ल का जो पावर है वो 64 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉय है, मास है 50 kg, 45 स्टेप्स चल रहा है और हर स्टेप जो है 15 सेंटीमीटर का है, ध्यान से देखना सेंटीमीटर। टोटल हाइट उसने कितनी कवर करी, एक स्टेप है 15 सेंटीमीटर, टोटल स्टेप्स है 45, तो 15 × 45 सेंटीमीटर, इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें, 15 × 4 = 75, 5 × 7 = 675 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो मीटर में कन्वर्ट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना, 9 सेकेंड्स है ना, लेकिन वर्क डन तो नहीं पता, तो पहले वर्क डन, वर्क डन कौन सा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। एम कितना 50, जी कितना 10, एच कितना 675 बाय 100। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जीरो कट गया, अभी और मत काटना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची, 5 × 675, आगे कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। वर्क डन इज 5 × 675 / 9, 9 से काट दो, 9 × 7 = 63 बचा, 4, 9 × 5 = 75 × 5, 25 × 5 = 35, 37, 375 वॉट पावर। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो पूछा नहीं, इसलिए मैंने पूरा पूरा इसको सॉल्व भी नहीं किया था। पावर चाहिए, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता, बल्ब का पावर कितना है, ये तो पावर है ना, और बोलता है 8 hours per day 60 वॉट का है और 6 आवर्स चल रहा है, तो कितना हो गया, 16 × 6 = 360 वॉट आवर। लेकिन बोल रहा है यूनिट में करो, यूनिट मतलब किलो वॉट आर, तो हमें किलो वॉट में चाहिए, 1000 से डिवाइड कर दो, किलो वॉट आर हो जाएगा। एक जीरो ये कट गया, 36/100.36 किलो वॉट आवर, 0.36 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर।